बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज होम लाइफ विद अनम में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन पास्ता। ये बहुत इजी और सिंपल सा बनता है और फटाफट बन जाता है, बहुत मज़ेदार बनता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो चले आएँ रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1/2 kg ले लिया है चिकन। इसमें मैंने ये बोनलेस लिया है, ये कुछ थाई के पीस हैं और कुछ ब्रेस्ट के पीस हैं, ठीक है। अब इसमें आप क्रश चिली डाल लें 1 टीस्पून, नमक डाल लें 1 टीस्पून, चाट मसाला भी 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून डाल लें। फिर इसमें आपने डालना है विनीगर, विनीगर 1/2 कप डालना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, सिर्फ सफ़ेद सिरका डलेगा और वह भी 1/2 कप। एक चुटकी येलो कलर डाल लें और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसको ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें कि इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। जब ये गल जाए तो ये रेडी है। चिकन की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर डाल लें। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, पर यह बटर में बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए, जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसमें आपने 1 गाजर ग्रेट की हुई डाल दें। ये देखिए, ग्रेट की हुई गाजर डाल दें और थोड़ी देर पका लें। 1.5 मिनट इस गाजर को पकाने के बाद इसमें 1 शिमला मिर्च लंबी कटी हुई डाल लें और इसे भी चंद सेकंड के लिए पका लें। और इसमें फिर 1 बंद गोभी को मैंने 1/2 छोटे साइज़ की ली थी, उसको भी बारीक सा काट के डाल दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ज़्यादा पकाना नहीं है। फिर हमने इसमें डाल देनी है 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 3 टेबलस्पून विनीगर डाल देना है ताकि वेजिटेबल में इसका टेस्ट आ जाए। फिर इसमें डाल लें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल लें आप चिकन। ये स्टार्ट में जो चिकन हमने पकने रखा था वो जब पक गया था तो इसको मैंने क्यूब्स कर लिए थे, ये वो चिकन डालना है। इसको डालने के बाद आप इसमें पास्ता डाल दें। 2 कप पास्ता मैंने बॉईल किया था, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था और जब गल गया था तो इसको मैंने स्ट्रेन करके अच्छी तरह से पानी से धो लिया था। तो ये पास्ता डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें आपने डाल देने हैं 1/2 कप केचप के। केचप डालने के बाद इसमें आप 2 टेबलस्पून मायोनीज डाल दें। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने ग्रेट की हुई मोज़रेला और चेडर चीज़ लेनी है 1 कप, वो आप डाल लें। चीज़ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये चीज़ डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, आप चीज़ को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। ये कितना यम्मी और टेस्टी बना है और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, ये देखें कितना टेस्टी लग रहा है। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, ये बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको निकाल लें। तो चले आए, मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बना है, बड़ा टेस्टी बना है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कैसा बना। इतना इजी और क्विक है ये। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।